रिकॉर्डिंग स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो है कुछ क्वेश्चन आपको भेजे, तो उन क्वेश्चंस का हम रिवीजन करा रहे हैं। चैप्टर सेकंड के कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है और जिनकी आप प्रैक्टिस भी करें और इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 25y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझे बेटा, इसे हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब ये देख रहे हैं कि एक तो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हम कैसे ठीक करें, स्क्वायर है और साथ ही साथ यहां पर कहीं भी अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो है वैल्यू हमारी क्यूब वाली होती तो कहीं क्यूब होता, स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि स्टार्टिंग के जो थ्री टर्म है, स्टार्टिंग के थ्री टर्म देखते हैं किसी आइडेंटिटी पर तो नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं रीराइट। 3x का ये होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो गया 3x इंटू यहां पर हमारे पास 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं 5y का यहां पर स्क्वायर। हमने अपने इस क्वेश्चन को ऐसे रीराइट दोबारा से लिखा, तो यहां पर एक चीज देखने में आ रही है कि ये फर्स्ट का स्क्वायर है, ये सेकेंड का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कहीं भी हो तो वहां लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहां पर जो है यहां हम लिखेंगे इनके जगह सॉरी ये यहां से लेकर के यहां। तो अब क्या है कि ये हमारा जो है वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल। अब क्योंकि हमें इसे फैक्टराइज करना है, वी हैव टू फैक्टराइज दिस, सो हमारे पास जो है एक और आइडेंटिटी होती है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहीं हो तो वहां लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। अब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 3x प्लस 1 प्लस 5y और इन दोनों को एक बार 3x प्लस 1 माइनस 5y हमने इसको लिखा। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीका क्या है, 3x प्लस 5y प्लस 1 एंड हियर 3x माइनस 5y प्लस 1, दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स एक भावेश चंडीगढ़ का क्वेश्चन है, मैं दे देता हूँ। यस भावेश, आपको क्वेश्चन बेटा स्पीक लाउडली बेटा, आई कांट हियर यू। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन। सर अगर सर जैसे सर अभी जैसे सर फोर टर्म थी हमारे पास सर, अगर टू टर्म होती सर जैसे 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो सर इसको कैसे फैक्टराइज करते, अगर सर दो ही टर्म दी, सर दो टर्म दिए 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x, यस सर 3x स्क्वायर माइनस 12x। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई आइडेंटिटी कोई हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो वहां पर ये हम देख रहे हैं 3x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास x माइनस का 4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। So, तो यही आंसर सर इसका, एक सर एक फैक्टर 3x हो जाएगा और एक x माइनस 4, ये नहीं फैक्टर की बात करेंगे, एक फैक्टर आपका 3 होगा, एक फैक्टर x होगा, एक फैक्टर आपका x माइनस 4 होगा। ओके बेटा सर एक बार सर, सर सेकंड फैक्टर कौन सा बोला सर आपने, 3x और 3, उसके बाद x सर, और एक तीन फैक्टर इसमें, यस सर x और x माइनस 4। अथर्व अग्रवाल आस्क क्वेश्चन। सर द फर्स्ट पार्ट का सर लास्ट वाला आंसर बता दीजिए, फर्स्ट पार्ट का लास्ट वाला आंसर। अच्छा ये यहाँ पर 3x और 5y थे, उसको हमने क्रम से लिख दिया, प्लस 1 बाद में लिखा, 3x माइनस 5 को एक जगह लिखा, 1 को बाद, यहाँ भी लिख देंगे कोई गलत नहीं होगा बेटा, ये आंसर करेक्ट है। वन मोर क्वेरी भावेश, लास्ट योर क्वेश्चन।
हमने पहले इसकी आइडेंटिटी को एक्सपेंडेड फॉर्म को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो जब ऐसा कहीं दिखाई दे तो उस वैल्यू को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नीचे वाली सर, ये नीचे वाली सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये क्या 3x जो है ए की जगह पर है और बी की जगह पे 1 है, आप देखिए बिल्कुल सेट हो रहा है इसी पर, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो हमने ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर बना करके लिख दिया। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, हियर द क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आप सोच में पड़ जाएंगे कि यहाँ पर अब क्या किया जाए, तो अब आपको थोड़ा सा जो है देखने की जरूरत है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन के पर्पस से लेकर के आया हूँ, तो एक बार स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ पर आप ध्यान दें। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पोर्सन है, यहाँ से लेकर के ये पोर्सन, दिस पोर्सन इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, और ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों पोर्शन से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आप देख रहे हैं कि 2 दोनों में है, c भी दोनों में है, इसको लिख सकते हैं 2c को हमने कॉमन लिया, क्या बचा यहां पे b और प्लस यहां पर a बचा। ध्यान से बच्चों इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर समझने की बहुत जरूरत है कि पहले स्टार्टिंग के जो 3 पोर्शन है वो क्या बन गए हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाद के जो 2 पोर्शन है इसमें से 2c कॉमन लिया गया, तो यहाँ पर b प्लस a, तो हम जानते हैं कि एड में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो एड में b प्लस a को हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम दोबारा से रीराइट करेंगे, here a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2c ब्रैकेट में a प्लस बी। अब a प्लस बी और a प्लस बी दोनों जगह है, हम यहां से a प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो हमने a प्लस बी को कॉमन ले लिया, अब यहां पर a प्लस बी कितनी बार था, 2 बार था, 2 times, तो ये हम लिखेंगे a प्लस बी 1 time बच जाएगा, और प्लस का यहां पर 2c, इसको सिंपल करेंगे a प्लस बी एंड हेयर a प्लस बी प्लस 2c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी एक क्वेरी 2 बच्चों की आ रही है, तनिष्क आस्क योर क्वेश्चन बेटा, मास्टर तनिष्क। सर ये सर सेकंड क्वेश्चन में सर ब्रैकेट b प्लस a कैसे आया, b प्लस ए कैसे आया है, ओके गुड क्वेश्चन। इन दिस टर्म 2bc यानी 2 भी है और c भी है, इन दिस पोर्शन 2ca, यहां पर दोनों टर्म में 2 × c कॉमन है, हमने टेकिंग कॉमन 2c, 2c को हमने बाहर निकाल लिया, अब 2c से 2bc में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा b, और 2ca में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा a, तो हमारे पास b प्लस a बच गया, और अब हम जो है a प्लस बी को दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हो गए हैं, हमने कॉमन लिया और इसे सॉल्व, क्लियर हुआ बेटा। वरुण जोशी आपके क्वेश्चन। सर एक बार सर ये लास्ट वाला बता दीजिए सर, a प्लस बी स्क्वायर के बाद सर ये ब्रैकेट वाला। हाँ अभी जो है जिनके आसपास आवाज आ रही है बेटा अपने को म्यूट कर ले, अब सुने, ये जो पोर्शन है यहां से लेकर ये पोर्शन, दिस इज द आइडेंटिटी, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे ये लिख सकते, और यहां से इन दोनों में से हम जो है इसे ये लिख सकते, यहां पर 2 और c ये जो है हमने दोनों जगह दिए, हमने इसे क्या कर दिया कॉमन ले लिया, अब कॉमन लेने पर यहां केवल b बचा और यहां कॉमन लेने पर क्या बचा a बचा, तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास यहां a प्लस b 2 टाइम है, यहाँ a प्लस बी 1 टाइम है,
हमने a प्लस बी को यहाँ कॉमन ले लिया, तो जहां पर टू टाइम a प्लस बी था वहां सिंगल टाइम a प्लस डी बचेगा, और जहां पर हमारे पास कुछ नहीं था यहाँ पर 2c बचा हुआ है, ये 2c यहाँ लेफ्ट हो जाएगा और इसे हम सिंपल कर। क्लियर हो गया? जय बारह कोटी। सर सर ये हमारे मोबाइल में जो ऊपर का लिखा है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, बिकॉज क्या होता है ए प्लस बी जो आंसर रखा है ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी टू सी लिखा है वहाँ, हाँ। उसके ऊपर का नहीं दिख रहा है, जूम ज्यादा हो रही है। दिखाई नहीं बेटा मैंने, ये पोर्शन सेम है खाली, ये ऊपर नीचे सेम है बेटा, खाली यहाँ ब्रैकेट लगे हैं और कुछ नया चीज नहीं। सर लेकिन दिख नहीं रहा जब भी बोल दे रहा हूँ, इन ब्रैकेट ए प्लस बी फिर बड़ा ब्रैकेट इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस टू सी राइट ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस टू सी। नेक्स्ट प्रियांश गौर आस्क योर क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, I had a doubt in this. Yes. So this one, right? Yes, sir. I had a doubt in this one. Your this video is that... off. First, no, your video on. Should be on. So my video is on, sir. No. Oh. Your video is off, beta. Sir, in my system, it is showing that my video is on, sir. Yes. So, sir, I have a doubt. Like, here is the question. Like, 9x square plus 6x plus 1 minus 25y square. Yes, so, sir. Sir, here we like, like here we take the square root. Like, we make made 9 into 3, and like, sir, we made them into a whole square root. But sir, I didn't get that. How did you do? Where has this two gone, sir? How get two in front? Yeah. Sir, in front of 3x. Yes, in front of 3x. Yeah, beta, ye two kahan se hai? Aapka question very sahi hai. Six written as in form of 2 into 3. Six ko 2 into 3 ke form mein likh sakte hai? Yes, sir. हाँ, तो बस 6 को 2 into 3 लिखा गया है, x था वो x की जगह पे लिखा गया है, कोई चेंजिंग नहीं है, अब हमने 6 को फैक्टराइज कर दिया, 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, हमने 1 को कोई अब चेंज नहीं किया, क्योंकि हमें इसे फॉर्म बनाना है, we have to form an identity, a plus d का होल स्क्वायर, if convert it into this form, then we say this is the square expanded form of 3x plus 1 का होल स्क्वायर, इफ नॉट देन वी कैन नॉट से 3x plus 1 का होल स्क्वायर इज द सेम। ओके बेटा, तो हम पहले इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन कन्वर्ट होल स्क्वायर, एंड हियर इज द पोर्शन इज ए स्क्वायर एंड दिस पोर्शन इज बी स्क्वायर, एंड वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, सो सब्स्टिट्यूटिंग वेयर द ए इज 3x f plus 1 and b is 5y plus first time sum and second time different and simplify. One more query. Bhavesh, ask your question, beta. Sir, second question, sir. Sir, yahan pe sir a plus b ka sir whole square hai. Sir, lekin upar sir square hat gaya sir, aisa kaise sir? हाँ बेटा, ये पूरा पोर्शन जो है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये आइडेंटिटी होती है लास्ट में, लास्ट वाले हाँ, ये बी प्लस ए था, लिसन सुनो बेटा, बी प्लस ए था, उसको ए प्लस बी हमने सीक्वेंस में लिख दिया है, हाँ तो क्रम से लिख दिया, अब दोनों में हमारे पास ए प्लस बी कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, तो जहां टू टाइम पावर का मतलब होता है कि उस नंबर का टू टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो हम उसमें टू टाइम में से वन टाइम कॉमन ले लिए, और यहां पर हमारे पास ए प्लस बी वन टाइम है, तो हम इन दोनों में से हम वन टाइम निकाल सकते हैं, तो जहां टू टाइम था उसके प्लेस पर वन टाइम बचा, और जहां पर वन टाइम था उसके प्लस पर जो कोएफिशिएंट टू सी है वो टू सी यहां पर बच गया, अब हम इसको केवल सिंपलीफाई करके रीराइट हमने दोबारा से लिख दिया। ओके बेटा, वैभव नारायण आस्क योर क्वेश्चन। मास्टर वैभव नारायण, सर मैं बोल रहा था यहाँ पे आपने ए प्लस, सर आपने ए प्लस बी को कॉमन लिया है, तो
टू सी के बाद जो ए प्लस बी है जब वो उसको कट करेगा तो वन बचेगा ना सर, आपने वन नहीं, वन बचेगा बेटा, लेकिन जब मल्टीप्लाई भी तो टू सी में होगा, टू सी में वन का मल्टीप्लाई होगा तो टू सी ऑलरेडी यहाँ पर बचा रहेगा बेटा, ये टू सी वही बचा होगा, ये पूरा एक पोर्शन के बाद, दिस इज अ वन पोर्शन वन टर्न, इसमें से ये हमारा गायब होगा तो ये तो बचेगा ना सेकेंड वाला पोर्शन। ओके सर, ओके अंश यादव आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, वीडियो ऑन करिए। हेलो सर, वीडियो ऑन करिए। सर हम कंप्यूटर में कर रहे हैं, वीडियो नहीं ऑन हो पा रहा क्योंकि कैमरा नहीं है। सर वीडियो कंप्यूटर में कर रहे हैं तो कैसे वीडियो, उसमें कैमरा है ही नहीं। अच्छा कैमरा नहीं है आपके पास, आपके मोबाइल नहीं बेटा? मोबाइल है सर। तो मोबाइल से कनेक्ट करते सर, वो पापा का है सर, उसमें पापा काम कर रहे हैं। चलिए बोलिए क्वेश्चन, बोलिए सर क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए। ए ब्रैक ए, हाँ बोलो बेटा। A फिर ब्रैकेट में A माइनस A, A ब्रैकेट में A माइनस A, माइनस B, माइनस B ब्रैकेट में माइनस B वन, माइनस B वन, B माइनस वन, सॉरी सर B माइनस वन, B माइनस वन। हाँ क्या करना बेटा, ये आप क्वेश्चन सही बोल रहे हो, A माइनस A, A माइनस वन, यहाँ A माइनस वन है। Yes, sir. Okay, तो A bracket में A minus one, minus B bracket में minus B minus one. ये question है ना? Sir, sir minus हट जाएगा, यहाँ B रहेगा सिर्फ, B minus one. अच्छा ये B minus one होगा? हाँ, factorize करना है. अब इसको factorize करना है? Yes, sir. Okay, बेटा. तो यहाँ पर आप बच्चों ये question भी आप सभी देख रहे हैं, इस question में इन्होंने कहा है, first हम पहले bracket तोड़ के इसको हम expand कर देते हैं. फैक्टराइज करने से पहले, क्योंकि अभी बिना फैक्टराइज किए यहाँ पर जो है हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो हम इसको कॉमन ले सके। सो स्टूडेंट्स हियर द वैल्यू इज ए स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस बी, ये काम हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, दिस वैल्यू इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी, हमने इसको रीअरेंज किया, सेकेंड पावर वाले को एक जगह लिखा और माइनस पावर वाले को एक जगह लिखा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हमें यहाँ पर ये दिया गया है, इसकी आइडेंटिटी हम सभी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके अब हम क्या करेंगे, यहां इसको लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और फिर यहां इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ a माइनस बी आ जाए। यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों आपको, तो यहाँ माइनस जब दोनों में से कॉमन होगा ब्रैकेट रहेगा तो ये ऐसा फॉर्म बन जाएगा। अब ये पहले टर्म में आपके पास a माइनस बी है, दूसरे टर्म में भी आपका a माइनस बी है, इस a माइनस बी को बाहर हम कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी दिस पोर्शन, अब इस पूरे में a माइनस बी जब हटेगा तो क्या बचेगा a प्लस बी, और इसमें से हमारा a माइनस बी हटेगा तो माइनस का ये क्या बचेगा वन बचेगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर बेटा, समझ में आ गया? ओके अथर्व अग्रवाल आस्क योर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बता दीजिए। अभी बेटा इस सामने जो क्वेश्चन किया है ये आपको आया? यस सर। हाँ अभी फिफ्थ पे आ रहा हूँ बेटा, अभी तो सेकेंड ही क्वेश्चन हो पाया, पहली इतनी सारी आ गई। सर एक बार सर लास्ट ट्रिप से टू पार्ट्स बता दीजिए सर, लास्ट वाले सर। ओके ओके लास्ट टू लाइन्स, ये हमें बोलते हैं इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और ये हमारे पास है सेकेंड टर्म। इस फर्स्ट टर्म में हमारे पास a माइनस बी भी प्रोडक्ट के रूप में है, और सेकेंड टर्म में कुछ नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ माइनस का यहाँ पे वन मान लीजिए तो प्रोडक्ट के रूप में, तो यहां से दोनों में से हमने बाहर इसे निकाल लिया, तो ये तो हट गया, साथ में क्या बचेगा a प्लस बी, और यहां ये हट गया तो साथ में क्या बचेगा वन, दिस इज योर फैक्टर। अंश यादव आस्क योर क्वेश्चन। सर एक बार ये फिर से बता दिए, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा बेटा तो हमारे 50 स्टूडेंट्स जो है बैठ करके ये क्या कर रहे थे बेटा, डिस्कनेक्ट, ये वीडियो भर रही बेटा, मैं इसको आप एक बार नहीं 100 बार आप इसको चला के देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी,
ये रिकॉर्डिंग मोड में है, मैं एक बार फिर से आपके कहने पर बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि एक की वजह से बाकी सब जो है वेट कर रहे हैं ना कि अगला नेक्स्ट कोर्सेस सर बताएंगे हम उसको करेंगे, तो थोड़ा सा जो है पेशेंस भी रखना पड़ता है। चलिए मैं बताया था फिर से, यहाँ हमने पहले ब्रैकेट ब्रेक करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर वाले टर्म्स को एक जगह लिखा और सिंगल सिंगल पावर वाले टर्म को एक जगह लिखा। स्क्वायर वाले टर्म को हमने आइडेंटिटी के बगल में लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी के बेस पर हमने फैक्टराइज किया और यहां से हमने माइनस को कॉमन लेकर के एक टर्म बनाया। दोनों टर्म्स में a माइनस बी है तो हमने a माइनस बी को बाहर निकाल लिया, यहाँ इनटू फैक्टराइज हो गया और इस टर्म में क्या बचा a प्लस बी और इस टर्म में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बचेगा वन, तो हमने इसको सिंपली लिख दिया, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, द फोर्थ सॉरी क्वेश्चन नंबर पहले थ्री सॉल्व कर लेते हैं फिर हम फोर पे आते हैं। थर्ड है so that px px equal to x cube minus 3x square plus 2x minus 6 has only one real zeros, so only one real zero, पहले हमें इसको चेक करना है तो हम इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे तो पहला हमारे पास फर्स्ट वन हियर, हम इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं तो x square दोनों में है हम x square को कॉमन ले सकते हैं, x square x माइनस का 3। अब इन दो टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं x माइनस 3। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है तो हम यहाँ पर बात करते हैं ये वैल्यू हमारा हो गया x माइनस 3 और यहाँ पर हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 2। ये प्रोसेस हो गई फैक्टराइजेशन, हमने तो फैक्टराइज कर दिया। अब we have to find real zero. Zero मतलब हमने polynomial जब पढ़ाया था आपको बताया था कि if you want a zero of given polynomial, put px equal to zero. So here px is equal to zero. Here x minus 3 and x square plus 2 is equal to zero. जब हम x minus 3 की वैल्यू को जीरो रखेंगे that is equal to x equal to 3. ये कैसा है रियल। अब हम अगर मैं यहां पर x square plus 2 is equal to 0 लिखूंगा तो x square is equal to minus 2, x equal to plus minus under root में minus 2, ये हमारा क्या है not real। We can say that this polynomial has only one real zero. Okay बेटा फिर से एक बार समझिए, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया गया, अब हमें इसके जीरोस को फाइंड करना है। हम इस पॉलिनोमियल को px equal to 0 रखे, अब इसमें पहले टर्म को एक बार इनटू में equal to 0 रखा, एक बार दूसरे टर्म को 0 रखा, फर्स्ट टर्म को 0 रखा, x की वैल्यू 3 रियल मिली और दूसरे टर्म को जब मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 2। अंडर रूट के अंदर बच्चों ध्यान रखिएगा अंडर रूट में माइनस वन की वैल्यू इमेजिनरी मानी गई है। अभी आप जब बड़ी क्लास में जाओगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, यानी माइनस नेगेटिव साइन का अंडर रूट नहीं निकाल सकते रियल में, तो वह जो है कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाता है, तो इसलिए ये जो है हमारा क्या होगा नॉट रियल होगा, केवल एक ही जीरो इस हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिलेगी। होंगे तो इसके तीन जीरो लेकिन जो है रियल कितने होंगे केवल एक होंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने जो है आपके सामने यहाँ पर बताया और स्टूडेंट्स फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने फिर मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं। तो Now students, here question number 4. Question number 4 is find the value of if a, a हमें क्या करना है find करना है, polynomial दिया गया है that is equal to x cube plus 3x square plus 4x plus a और gx जिससे हमें divide करना है are given x plus 6. Students, we use the remainder theorem. Okay? तो हियर इन दिस क्वेश्चन लिखा है कि वैल्यू ऑफ ए इज द फैक्टर, यहां लिखेंगे इफ
gx is factor of polynomial pf. So here p और ये हमारे पास जो है माइनस सिक्स इज इक्वल टू जी. अब माइनस सिक्स क्यों आया? जब हम एक्स प्लस सिक्स को हम जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स आएगी. तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि इस एक्स की वैल्यू को पॉलीनोमियल में रखेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर इसका क्या होगा, जीरो आएगा. तो यहां हम यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम. तो यहां पर हियर द वैल्यू इज माइनस सिक्स का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस सिक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो. अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें सॉल्व करना है. तो सिक्स का क्यूब क्या होता है? तो पहले तो माइनस साइन का क्यूब निगेटिव ही होता है. सिक्स सिक्स जा 36 और सिक्स का क्यूब कितना होगा भाई? मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ अनम्यूट कर रहा हूँ आपसे पूछने के लिए. यस बेटा, सिक्स का क्यूब बोलिए. सर 4 into minus, तो ये हो जाएगा आपके पास जो है minus 24 और plus a is equal to 0. ठीक है बेटा, अब हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे. minus 216 plus 3 जा 18 1 3 जा 9 1 10 और minus 24 plus a is equal to 0. minus minus sign को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं. 6 और 4 0 और यहाँ पर 2 और 1 कितने हो गए, 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 240 प्लस 108 प्लस a इज इक्वल टू 0. 240 में से 108 को जब माइनस करेंगे माइनस 10 में से 8 किया 2 3 और यहाँ पे 132 प्लस का a इज इक्वल टू 0 implies that a equal to 132. This is the required answer. तो ये हमारा जो है required answer है. तो इस question को हमने जो है अभी आपके लिए यहाँ पर बताया और ताकि जो है आप आसानी से ऐसे problems को solve कर सके. एक query आ रही है वरुण जोशी की, बोलिए बेटा. सर मेरा सर एक क्वेश्चन है सर, जो आपने सर ये पिछले क्वेश्चन में x इक्वल टू प्लस माइनस रूट, सर प्लस माइनस क्यों लिखा है सर, रूट के बाहर प्लस माइनस? यस बेटा, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं माइनस टू का स्क्वायर करता हूँ तो आएगा फोर और अगर yes, मैं टू का स्क्वायर करता हूँ तो भी फोर आएगा. लेकिन जब yes, मैं इसको अंडर रूट ले रहा हूँ तो ये जो है अंडर रूट ले रहा हूँ तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाएगा. 4 का स्क्वायर रूट जो है माइनस 2 होगा कि प्लस 2 होगा ये हमें नहीं मालूम. तो मामला क्या होता है, इसलिए हमें दोनों साइन लगाया जाता है. हम इसको लिखते हैं प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2. ठीक है, अगर ये प्लस का होगा तो हमारा प्लस वाला आंसर करेक्ट होगा, अगर ये माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा. ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन भी मैंने जो है आपके लिए सॉल्व कर दिया. अब एक फिफ्थ क्वेश्चन भैया ने कहा है, दो मिनट बचे हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन को मैं जो समय बचा हुआ है उसमें मैं सॉल्व करा रहा हूं और फिर बचे हुए क्वेश्चन को फिर हम कल भी प्रैक्टिस करेंगे. कल इसके रिमेनिंग पोर्शन को सॉल्व करा के हम जो है आपकी क्वेरी वगैरह को भी देखेंगे. तो फिफ्थ है, अब पॉलिनोमियल दिया गया है दिस पी वन एक्स is equal to a x cube plus 3 x square minus 3 और दूसरा polynomial है p2x is equal to 2 x cube minus 5 x plus 8. अब यहाँ पर दिया गया है एक gx polynomial है that is x minus 4 और हमें जो है both. अब question समझिए, question क्या कह रहा है बेटा, question ये कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल को इस gx से डिवाइड करते हैं तो दोनों का रिमाइंडर बिल्कुल सेम आता है. हमें इस कंडीशन के आधार पर a की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं यहां पर इसके जीरो, यानी हमारे पास जो है gx इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू क्या आ गया 4
तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पी वन फोर निकालते हैं। तो पहले वाले में जहां जहां हमारे पास x है उनके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 4 a इंटू फोर क्यूब प्लस 3 इंटू फोर स्क्वायर माइनस 3 a इंटू 64 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 64 a प्लस 48 माइनस 3 64 a प्लस 45। ये तो पहले वाले का रिमाइंडर आ गया। अब दूसरे वाले का भी रिमाइंडर निकालते हैं, पी टू फोर इज इक्वल टू, तो दूसरे वाले के रिमाइंडर में बच्चों ये हमारे पास है 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8। अब यहां पर हमारे पास हेयर 2 इंटू 4 का क्यूब फिर हो गया हमारे पास 64 और यहां पर हमारे पास जो है 20 और ये प्लस का a, ये हमारे पास 24 जा a 128 माइनस 20 प्लस a दैट इज इक्वल टू 108 प्लस a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P14 इज इक्वल टू P24, ये दोनों रिमाइंडर हमारे क्या है, सेम है। तो यहां पर हम लिखेंगे 64 a प्लस 45 एंड 108 प्लस a। अब हम क्या करेंगे, a a को एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहां हमारे पास हो गया 64 a माइनस a और 108 माइनस 45, ये हो गया 63 a, 8 में से 5 3 और यहां पर हमारे पास 63 a इज इक्वल टू 63 अपॉन 63 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारी 1 हो गई और टाइम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं एक भैया की क्वेरी है, वैभव नारायण आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर आपने जो P1 और P2 माना उसकी जगह PX और FX भी तो मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं बेटा, नेम तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आप जो है वैभव नारायण, आपका जो है आप छोटे थे तो आपका नाम वैभव नारायण रख दिया गया, तो आप अब तक जो है वैभव नारायण नाम से ही जाने जाते हैं। तो अब जो है अगर मान लीजिए कुछ और आपका नाम रखा गया होता तो आप उस नाम से जाने गए होते, तो इसलिए बेटा नाम में कुछ नहीं रखा है। वो जो है उसकी क्वालिटी और उसके जो है उसके अंदर जो क्या चीज वो बोलना चाह रहा है उस पर मेन चीज डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पॉलिनोमियल में यहाँ दिखा दिया। एक क्षितिज कसोदन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। सर इस क्वेश्चन में सर जो पी वन और पी टू है सर, सर जो जी एक्स का वैल्यू दिया है सर, तब जी एक्स को सर पी वन और पी टू से सर डिवाइड करना है सर ना। हाँ, नहीं नहीं, P1 P2 को GX से डिवाइड करना है। यस सर। हाँ, तो जब हम P1 को जो है GX से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर P1 4 आएगा और P2 को जब हम GX से डिवाइड करेंगे तो हमारा P2 4 आएगा। दोनों रिमाइंडर सेम है, दोनों को इक्वल रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, गेट दी वैल्यू ऑफ E। ओके सर, एग्जाम कहाँ पे देना है बेटा? सर एग्जाम कहाँ पे देंगे हम लोग? एग्जाम कहाँ पर देंगे? आपके पास ग्रुप में एक जो है लिंक आएगा, कुछ नहीं करना है, उस मोबाइल पर आप ग्रुप के लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक गूगल फाइल खुलेगी, जो जो उसमें बोला जाएगा वो काम करते जाइएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेटा अभी टाइम हमारा ओवर हो गया है तो अभी आज क्लास ओवर करते हैं, फिर हम कल फिर से इसके रिमेनिंग पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके सर। ओके बेटा।